आज मैं आपके सामने आईपीएल के रिलेटेड एक कंपनी बताऊंगा जिसका नाम है आरपीएसजी वेंचर्स। कंपनी हमारी ओन करती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, जिसके अंदर उनकी जो स्टेक है उसकी जो परसेंटेज है वो है अराउंड 50% की। तो आप ये समझ सकते हैं कंपनी हमारी मेजोरिटी ओन करती है लखनऊ सुपर जायंट्स को। आज की डेट में आईपीएल एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जो कि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आईपीएल टीम्स हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे इस टाइम चल रही है, बिकॉज ऑफ उनका जो ऑडियंस बेस है पूरे आईपीएल का वो इतना बड़ा एक्सपैंड हो चुका है, और डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स को जोड़ के इतना बड़ा ये बिजनेस जो खड़ा हो चुका है आईपीएल का, उसका मुझे लगता है ग्रोथ का मोमेंटम अगले 10 सालों तक तो रहेगा। अब इस सेक्टर के अंदर अगर लिस्टेड स्पेस की मैं बात करूं तो वहां पे आपको जैसे ये तो पता है कि इंडिया सीमेंट्स चेन्नई सुपर किंग्स को ओन करती है, वैसे ही आरपीएसजी वेंचर्स जो है उनकी जो ओनरशिप है लखनऊ सुपर जायंट्स के अंदर वो अराउंड 51% की है। तो अगर मैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो वो है अराउंड 1700 करोड़ की। कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करूं बैलेंस शीट के अंदर तो वो अराउंड 13,000 से ऊपर के करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं, जिसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट है इनटेंजिबल एसेट्स का। क्योंकि आईपीएल कोई एसेट नहीं होता, वो एक इनटेंजिबल कंपनी का एसेट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। उसकी वैल्यूएशन कंपनी की बैलेंस शीट पे अराउंड 5,000 करोड़ से ऊपर की आज की डेट में हो चुकी है, और कंपनी के पास होल्डिंग के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं लिस्टेड स्पेस के अंदर, जैसे कि आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की बात करें तो कंपनी का उस कंपनी के अंदर अराउंड 53% स्टेक है। तो आज हम अगर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की मार्केट कैप की बात करें तो उसकी वैल्यू अराउंड आती है 10,000 करोड़ की, उसका 53% आप हिसाब लगाएंगे तो वो 5,000 करोड़ के आसपास का बनता है। इतना पता चल गया कि ये जो कंपनी है आरपीएसजी वेंचर्स, इसके पास जो एसेट्स हैं जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स, जैसे कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, उनकी टोटल वैल्यू अगर आप लगाएं तो वो अराउंड 10,000 करोड़ से ऊपर की है, और कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 1700 करोड़ के आसपास की है। ये हमारी गोइंका ग्रुप से कंपनी आई है, और इसकी वेरियस अदर लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी कुछ कुछ परसेंटेज की स्टेक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है एक आईपीएल टीम के अंदर, उसकी जो वैल्यूएशन जब बनेगी एक न्यू शेयर होल्डर के आने से, उससे कंपनी की आपकी ब्रांड वैल्यू दिखाई देगी कि उन्होंने इतने छोटे टाइम के अंदर कितना बड़ा एक ब्रांड क्रिएट किया है। ये एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे आपको हिडन जेम्स ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट की पार्टिसिपेशन हमेशा उन स्टॉक्स में रहती है जैसे कि बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे लेवल के। लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप इंडस्ट्री के अंदर जहां पे आपको हिडन जेम्स जो हैं वो खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन मुझे लगता है होल्डिंग कंपनी के हिसाब से दी गई है, लेकिन आज की डेट में उनकी जो वैल्यूएशन है उसके अंदर मुझे लगता है कि उनकी आईपीएल टीम की वैल्यूएशन अभी दिखाई नहीं दे रही है। आप भी अपना टाइम स्पेंड करें इस कंपनी के अंदर और मुझे बताएं कि आपके हिसाब से एक आईपीएल टीम की वैल्यूएशन कितनी हो सकती है, और इसका पूरे स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर कितना बड़ा ग्रोथ का मोमेंटम आपको आगे के फ्यूचर में दिखाई देता है। थैंक यू।